इस प्रतिज्ञा कार्यक्रम में हम सभी के सभी पदाधिकारीगण और मंच पर आसीन हमारे सभी सम्मानित नेतागण आज दीपक जी की जयंती के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी नौजवान साथी मित्रों, भाइयों बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथियों, मित्रों, आज हम सब लोग राष्ट्रकवि दिनकर जी को याद करने के लिए इकट्ठे हुए। उनके नाम के साथ ही राष्ट्रकवि लगा हुआ, मतलब देश के लिए कविता, देश के लिए कवि का क्या महत्व और एक कवि और उसकी कविता देश में कितने नए मोड़ ला देती है, किस प्रकार से देश को एक नई दिशा दे सकती है, किस प्रकार से देश में एक नई ऊर्जा ला सकती है, किस प्रकार से देश की सरकार को एक दिशा दे सकती है, देश में विपक्ष को एक दिशा दे सकती है, देश के नौजवानों को एक दिशा दे सकती है, वो भाव, वो भावना जो होती है जिससे राष्ट्र मजबूत होता है, उन भावनाओं से और क्रोध रामधारी सिंह दिनकर जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से संपूर्ण भारत के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाया, एक ऐसा माहौल बनाया कि जब जैसी परिस्थिति पड़ी, जब जैसी स्थिति बनी, उस वक्त उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से इस देश को संदेश देने का काम किया, इस देश को एक दिशा देने का काम किया। हम सब लोगों को मालूम है कि इस देश में इमरजेंसी लगी थी और जब आपातकाल लगा था, आपातकाल इस देश के लिए आपातकाल की लड़ाई एक प्रकार से दूसरी आजादी की लड़ाई थी, और देश के अंदर जो आपातकाल लगाया गया था वह लोकतंत्र को कुचलने का एक कृत्रिम प्रयास हुआ था उस वक्त। और उस वक्त 1975 में जब प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में दिनकर जी की एक गीत को खूब गाया गया था, उस समय देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी चल रहा था, दिनकर जी की वो कविता सदियों की ठंडी बुझी, राग सुख उगा उठी, मिट्टी सोने का ताज भर निकलाती है, दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उनके इन पंक्तियों ने इस देश के नौजवानों के अंदर एक नया ऊर्जा भरा, देश के लोगों के अंदर एक ऊर्जा भरा और उस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ, तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ने का जज्बा इस देश के अंदर तैयार हुआ। मैं यही कह रहा था कि दिनकर जी के कलमों में वो ताकत थी जिसने इस देश को एक नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने 12 वर्षों तक राज्यसभा के सांसद के रूप में भी अपनी सेवा दी, साहित्य को तो उन्होंने संपूर्ण जीवन अपना सेवा दिया ही दिया। रामधारी सिंह दिनकर जी हमेशा देश के सैनिकों का भी किस प्रकार से मनोबल बढ़े उसकी भी अपनी लेखनी के माध्यम से प्रयास करते रहते थे और उनकी ये पंक्तियां हमेशा देश के जवानों के लिए, देश के सैनिकों के लिए बहुत प्रेरणादायी रही। जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिनने चिंगारी, जो गढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, जय बोल, जय बोल। ऐसा करके उन्होंने देश के जो हमारे जवान हैं, जो देश के हमारे सैनिक हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया। हमेशा दिनकर जी के कारण इस देश में जो परिस्थिति, जो माहौल बना उनके लेखनी से, उनकी कविताएं से, वो हम सब लोगों को हमेशा प्रेरणा देता रहता है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि आज के हम देश के अंदर चाहे जो भी समाज के अंदर काम कर रहे हैं, हम सब लोगों को राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर, राष्ट्र के लिए काम करने का सोच रख के, राष्ट्र के विकास में अपने योगदान और भागीदारी को सुनिश्चित करके हमको अपनी सेवा इस देश और इस मिट्टी को देते रहना चाहिए। ये राष्ट्र कवि दिनकर जी से, उनके जीवन से हम सब लोग को प्रेरणा लेना चाहिए। और मैं विशेष तौर पर
आज धन्यवाद दे रहा हूँ अपने भाई राघवेंद्र जी को जो दिनकर शोध संस्थान के माध्यम से पिछले कई वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और यहाँ भर से दिनकर जी के जो अनुयायी हैं, दिनकर जी के जो चाहने वाले लोग हैं और राष्ट्र प्रेम की भावना जिन लोगों में है वैसे सारे राष्ट्र प्रेमियों को हर साल इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। राघवेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को एक बार मैं आप सब लोगों से भी आग्रह करूंगा जोरदार ताली बजाकर उनका हौसला इस सफल कार्यक्रम के लिए, इस बेहद ही सफल कार्यक्रम के लिए। और मैं एक बार फिर से दिनकर जी के चरणों में अपने पुष्पांजलि निवेदित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिनकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राष्ट्र दिनकर अमर रहे, अमर रहे, अमर। धन्यवाद।